आज के व्याख्यान में हम नगरीय समाजशास्त्र के ऊपर बात करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र जो विषय है वो हमारे समाजशास्त्र के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में, जिसमें हम ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र की बात करते हैं, जिसमें नगरीय समाजशास्त्र जो है वह आता है और नगरीय समाजशास्त्र की हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का विकास वृद्धि समाज के में रहकर ही संभव है। प्रत्येक जो मनुष्य है वह समाज के विभिन्न समूहों के साथ रहते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग जगह वह पर्यावरण के अंतर्गत निवास करता है। जिस पर्यावरण में मनुष्य रहता है उस पर्यावरण का प्रभाव उसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर पड़ता है। मानव के इसी सामाजिक व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है नगरीय समाजशास्त्र की जो हम बात करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो नगरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिस समाजशास्त्र की शाखा के अंतर्गत हम नगरीय जो है उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं उसको नगरीय समाजशास्त्र हम कहते हैं। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को किया जाता है। कई विद्वानों ने नगरीय समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं दी है उनकी हम चर्चा करते हैं। बर्गेल के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र जो है पर्यावरण, नगरीय जो पर्यावरण है उसका उस पर व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। जीवन चाहे ग्रामीण हो या नगरीय हो, पर्यावरण का उस पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। अर्थात मनुष्य जहां भी निवास करता है वह किसी किसी पर्यावरण के अंतर्गत निवास करता है और नगरीय जीवन पर पड़ने वाले जो विभिन्न प्रभाव है व्यवस्थित रूप में जो है वह उसको मतलब प्रभावित करते हैं और उसका जो अध्ययन जो किया जाता है वह नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। नगरीय समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसको नेल्स एंडरसन ने इस प्रकार से बताया कि जो ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र दो सामुदायिक समाजशास्त्र हैं और प्रत्येक अपने जो है उसके अनुशासन अर्थात उसके विषय वस्तु और उसके डिसिप्लिन के कारण जाना जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण समाज है और नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बों और नगरों से है। अर्थात नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। अर्थात नगर के जो जीवन है उसके तौर तरीके हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो भी उसके तहत जो आता है सामाजिक संबंध उसका अध्ययन है। एक समाज वैज्ञानिक के रूप में नगरीय समाजशास्त्र उन संपूर्ण जटिल परिस्थितियों का अध्ययन करता है और अंतर संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं और किसी एक पक्ष में नहीं बल्कि नगरीय सामाजिक संसार के प्रत्येक अंग की विवेचना की जाती है। अर्थात नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत समग्र रूप से जो है नगरीय जीवन की, नगरीय समस्याओं की, नगरीय सामाजिक संबंधों की और समाज के ताने बाने की अध्ययन किया जाता है। अर्थात नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में मनुष्यों के तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है और इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरीय समाज विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो चीजें आती है। अर्थात जो भी हमने परिभाषाओं का जिक्र किया उसके अंतर्गत दो प्रमुख चीजें आती है। अर्थात नगरीय समाज विज्ञान नगरीय पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है। अर्थात जो भी हमारा नगरीय समाजशास्त्र है वह नगरीय पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात जो भी नगरीय पर्यावरण है उसका अध्ययन इस नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं और इस पर्यावरण में निवास करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्यों के समूहों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो पहली चीज तो हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि जो नगरीय समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत नगरीय पर्यावरण का जो अध्ययन है, जो शहर के अंदर, नगरों के अंदर, कस्बों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके पर्यावरण का जो अध्ययन है, उनके चारों ओर की स्थिति का अध्ययन है, वह नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं।
और इस पर्यावरण में निवास करने वाले मनुष्यों तथा उनके समूहों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अर्थात नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी पर्यावरण है उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नगरों का जो अध्ययन है अपने विभिन्न संबंधित विषय से समस्याओं अध्ययन एक नवीन महत्वपूर्ण शाखा के रूप में नगरीय समाजशास्त्र को माना जाता है। ये नगरीय समस्याएं और नगरीय सामाजिक संबंधों का मानवीय ढंग से अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ वो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ है। उसमें नगरों में बढ़ती हुई कई सामाजिक समस्याओं पर जब औद्योगिक क्रांति के बाद नगरीकरण होने लगा तो नगरीकरण के साथ कई समस्याएं भी बढ़ने लगी। उन समस्याओं का जो विवेचन करने के लिए अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत जो है माइग्रेशन होने लगा। माइग्रेशन से जो है गांवों से कस्बों और नगरों की ओर लोग आने लगे। इसके फलस्वरूप क्या है कि उन नगरीय क्षेत्रों में कई समस्याओं का उत्पन्न हुआ। नगरों की संख्या में और जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जो है नगरों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या प्रारंभ हुई और जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो माइग्रेशन के कारण और जो मृत्यु दर और जो सामाजिक समस्याएं और इस प्रकार की जो कई प्रकार की जो जनसांख्यिकी चीजें और जो जनसंख्या का वितरण नगरों का विकास नगरों की समस्याएं उन पर चर्चा होने लगी। तो नगरीय समाजशास्त्र जो है उसमें हम देखते हैं कि जो नगरों का विकास होता है उसमें सामाजिक नियोजन सार्वजनिक जो है प्रणाली गंदी बस्तियां उनकी समस्याएं यातायात एवं परिवहन सफाई एवं जल आपूर्ति भवन निर्माण विद्युत आपूर्ति शिक्षा न्यायालय बंदरगाह हवाई अड्डा बस स्टेशन रेलवे स्टेशन ये सभी जो है अग्निशमन केंद्र ये सब नगरीय जीवन के अंतर्गत आते हैं या नगरीय क्षेत्र नगरीय पर्यावरण के आते हैं। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र तथ्य संकलन में काफी कुछ जो चीजें हैं वो व्यापकता से अध्ययन करता है। जो इस आज के व्याख्यान में हम जो नगरीय समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं तो नगरीय समाजशास्त्र की जो प्रमुख विशेषताएं जो है हमें इस पर चर्चा करनी है वह इस प्रकार है कि नगरीय समाजशास्त्र एक विज्ञान है अर्थात इसको भी समाज विज्ञान की तरह एक व्यवस्थित विज्ञान और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में माना जाता है। यह नगरीय जीवन के जो विभिन्न पहलू है नगरीय समाज के व्यवस्थित ढंग से जो पहलुओं का अध्ययन करता है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में भी विज्ञान की विशेषताएं हैं और इसे भी समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति विज्ञान माना जाता है। भविष्यवाणी की जाती है इस विज्ञान में नगरीय विज्ञान में नगरीय समाजशास्त्र में हम जो भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के दौरान जो तथ्य हम प्राप्त करते हैं उन तथ्यों की भविष्यवाणी की जा सकती है आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन या जो भी हम परिणाम निकालते हैं उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों में कार्यकारण संबंध होते हैं अर्थात एक संबंध दूसरे एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर से प्रभावित होता है एक चर दूसरे चर से प्रभावित होता है अर्थात बेरोजगारी के कारण नगरीकरण होता है नगरीकरण के कारण जो है बस्तियां बनती है नगरीकरण के कारण कई सामाजिक समस्या आती है औद्योगिकरण और नगरीकरण जुड़े हुए इस प्रकार से हम पाते हैं कि औद्योगिकरण नगरीकरण जो है जुड़े हुए नगरीकरण जो है नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन के तहत हम यह देखते हैं कि घटनाएं सामाजिक परिस्थितियां जिस रूप में है समाज में उस तथ्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में हम जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं क्योंकि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में हम मानते हैं और विज्ञान के रूप में ही इसकी जो मेथोडोलॉजी या इसकी जो अध्ययन पद्धति है तो इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग करने के दौरान हम समाजशास्त्र में जो भी अनुसंधान करते हैं उसमें वैज्ञानिक विधियों के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भी हम अध्ययन करते हैं और नगरीय समाजशास्त्र में जो भी अवधारणाएं हैं वे सार्वभौमिक है। नगरीय समाजशास्त्र में काम में ली जाने वाली प्रमुख विधियां अवलोकन वैयक्तिक अध्ययन अध्ययन पद्धति सामाजिक सर्वेक्षण सामुदायिक अध्ययन क्षेत्रीय कार्य प्रयोगात्मक ऐतिहासिक और जो समाज मिति और सांख्यिकी विधियों का भी हम
इसके अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र में भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और समाजशास्त्र के तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं। हम नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों का भी हम परीक्षण कर सकते हैं। जिस प्रकार समाज विज्ञान के सिद्धांत जो है परीक्षण योग्य होते हैं, उन सिद्धांतों का भी हम मूल्यांकन करके उसकी व्याख्या करने की जो चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों की भी परीक्षा की जा सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं नगरीय समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन हमको किया जाना होता है और यह भी विज्ञान है और वैज्ञानिक पद्धति का इसके अंतर्गत हम प्रयोग करते थे। यहाँ जो आज के इस व्याख्यान में हमने नगरीय समाजशास्त्र की जो परिभाषा है, उसका विषय क्षेत्र है, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और इसके साथ ही हमने नगरीय समाजशास्त्र की जो विशेषताएं क्या है इस पर हमने चर्चा की। ये हमारे तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो ये इकाई है नगरीय समाजशास्त्र की, उसके तहत आज के ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने चर्चा की। धन्यवाद।